वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग फ्रेंड्स, मैं आरती शर्मा हाजिर हूँ अपनी नई रेसिपी के साथ और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज मैंने बनाए हैं पथवे के पराठे, जो कि खाने में बहुत हेल्दी होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं और घर में ना सबको ही पसंद आते हैं, चाहे बच्चे हो चाहे हस्बैंड हो। आप टिफिन में भी पैक कर सकते हो, लंच में भी दे सकते हो। सो गाइस, इन्हें बनाने ना बहुत ही आसान है और घर के ही कुछ सामान से हमारे छटपट चटपटे बथुए के पराठे रेडी हो जाते हैं। तो गाइज, मैंने आपको पहले जो मिर्ची वाला ब्लॉग सेंड किया था, जिसमें मैंने मिर्च का अचार डाला था, तो देखिए मेरी 2 से 3 दिन में मेरी मिर्ची भी रेड हो गई है। सो ये अगर आपको ये वीडियो देखनी हो तो आप पीछे पीछे वाले ब्लॉग में देख सकते हैं। सो गाइज, देखिए कि मैं कैसे बनाती हूँ, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो गाइस, देखिए कि ये खाने में कितने टेस्टी और कितने सॉफ्ट है, एकदम से बहुत ही सॉफ्ट है और खाने में कितने टेस्टी है। और ये देखिए, इनके अंदर बथुआ खूब भर भर के बथुआ भरा है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी हैं। और ये मेरा मिर्ची का अचार, ये देखिए। सो आइए, चलिए बनाते हैं अपने बथुए के पराठे। हम बनाने जा रहे हैं बथुए के पराठे, जो कि खाने में है ना बहुत टेस्टी होते हैं। तो मैं सबसे पहले बथुए को चूट लेती हूँ। तो गाइज, ऐसे है ना, सिपा आगे आगे का हिस्सा ऐसे करके आप चूट लो इसे और पीछे का फेंक दो, क्योंकि पीछे का भाग जो होता है वो मोटा होता है। तो मैं सिर्फ इसके आगे पीछे के पत्ते और आगे का हिस्सा निकाल रही हूँ। और गाइज, आपको तो पता ही है कि इन दिनों में ज़्यादातर हरी सब्जियां आ रही है और बच्चों को खिलानी भी ज़रूरी हैं, क्योंकि इनसे ही बच्चे हेल्दी भी रहेंगे और थोड़े से स्वस्थ भी रहेंगे। तो गाइज, देखिए कि मैं कैसे बना रही हूँ। तो मैं सबसे पहले पूरे बथुए को चूट लेती हूँ इस तरीके से, मैं पत्ते पत्ते निकाल लेती हूँ और फिर इसको करूँगी कट, और कट करने के बाद मैं इसको 2 से 3 बार करूँगी वॉश। तो गाइस, इधर मैंने कर लिया था पूरा बथुआ साफ और मैं कर रही हूँ इसकी कटिंग। सो मैं इसको है ना ज़्यादा बारीक नहीं काट रही, थोड़ा मोटा मोटा ही काट रही हूँ। और ये देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, और मैं फटाफट इस सबको काट के इनको धो लेती हूँ अच्छे से और फिर इनको चढ़ा जाती हूँ उबलने के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बथुआ उबाल लिया है और बथुए में जो ये गर्म पानी है ना, ये मैं निकाल देती हूँ इसमें, ताकि ये ओवर कुक ना हो। और इसमें मैं डाल देती हूँ अभी थोड़ा सा ठंडा पानी, ये देखिए। और अभी मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा ठंडा पानी, ताकि जल्दी से बथुआ ठंडा भी हो जाए और ओवर कुक भी ना हो। तो ये मैंने निकाल दिया पानी, ये देखिए, ये देखिए। और मैं अब अच्छे से इसमें आराम से हाथ डाल पा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं निचोड़ लेती हूँ बथुए को। सो गाइस, इस तरीके से ना सारे बथुए को अभी निचोड़ लेते हैं, ये देखिए, सारा पानी निकाल लेते हैं निचोड़ निचोड़ के इनका। इनको ऐसे खोल लेंगे और अभी डाल लेंगे इनमें मसाले। तो गाइज, मैं डाल दी हूँ इनमें थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी रेड मिर्च, हल्का सा जीरा, थोड़ी हरी मिर्च और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, जितना भी आप खाते हो उस हिसाब से। और गाइज, एक चीज और बता दूं, जो ये हम बथुए के पराठे बना रहे हैं ना, तो आप एक काम और कर सकते हो इसमें, जैसे आप हरी मिर्च को और लहसुन ले लो, लहसुन को और थोड़ी सी अदरक, इन सब चीजों को कूट के और इस मसाले में मिला सकते हो, और इससे है ना आपके जो बथुए के पराठे होंगे ना, उसका टेस्ट और दुगना तिगना बढ़ जाएगा। तो गाइज, मैंने यहाँ पे है ना देखिए सारे मिक्स कर लिए मसाले, और अब मैं चलती हूँ पराठे बनाने के लिए। सो
सो गाइस ऐसे एक लोई लेंगे, मैंने आटा पहले से ही लगा के रखा था, तो आटा आपको जैसे नॉर्मल आप आटा लगाते हैं उसी तरीके से लगाना है, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा सॉफ्ट। तो मैंने पहले से ही आटा लगा के रखा था, तो मैं पहले सबसे पहले इधर लोई को बेल लूँगी। ये देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं, और गैस पे रख दूंगी तवा, और इधर मैं थोड़ा सा बथवा लूंगी इसमें से और इस तरीके से रख के, और थोड़ा सा ले लेती हूँ इस तरीके के से रख के, और इसको कर दूंगी मैं पूरे को फोल्ड जैसा कि आप देख रहे हैं। इसको ऐसे दबा के और इस पर थोड़ा सा आटा और डाल के इसको मैं फिर से बेल लेती हूँ। सो ये देखिए गाइस कितने अच्छे से बिल गया, ना कहीं से कट रहा है फट रहा है ना कहीं से निकल रहा है, और मैं इसको डाल देती हूँ सीधा तवे पे। और जब तक मेरा ये पराठा एक साइड से सिकता है तब तक मैं कर लेती हूँ अपने दूसरे पराठे की तैयारी।